कैसे हो भाई लोग। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ दोस्तपूर्ण, और इसको संजय गुप्ता जी द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसकी प्राइस है 200। और अब ऐसे संजय गुप्ता जी द्वारा प्रकाशित किया गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट यू भी मिलेगा ये इस पे। और इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि नरेश कुमार ने इसका आर्टवर्क बनाया है और अनुराग सिंह ने कहानी लिखी है। और ये सीरीज़ है दोषपूर्ण शुद्धिकरण श्रृंखला भागवान। तो भाई ये है सारे क्रेडिट्स और इसमें 32 ही पेजेस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये इन लोग को पेजेस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल 200 चार्ज कर रहे हैं 32 पेजेस वाली कॉमिक्स का। और इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा लॉन्ग कर दिया है कॉमिक्स को, बड़े बड़ा कर दिया, जो कि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है, मगर अगर मनोज जी जैसा जो बिग साइज़ है वो वाला परफेक्ट लगता है मुझको, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट साइज़ का है, उसमें सारी चीज़ अच्छे से आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाया गया है इनकी तरफ से और यहाँ पे ये लिखा गया है। तो अब भाई आर्ट वर्क के बारे में यार मिक्स फीलिंग्स है मेरे दिमाग में, क्योंकि कई कई जगह पे आर्ट वर्क बहुत सूट करता है इसको और कई कई जगह पे लगता है कि इंकिंग सही से नहीं करी गई है, उसका कलर इधर उधर जा रहा है। और यहाँ पर शुरुआत में जो इन्होंने दिखाया बहुत अच्छा लगा आर्ट वर्क, लेकिन कुछ ही पेजेस के बाद इन्होंने गड़बड़ कर दिया और फिर यहाँ जैसे यहाँ इतनी डिटेलिंग नहीं दी गई है इसमें, तो आर्ट वर्क के मामले में तो यार मिक्स फीलिंग है। और ऑफ कोर्स ये संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित है तो भैया पेज नंबर तो भूल ही जाओ, और ये फुल पेज आर्ट वर्क है देख सकते हो, तो ये भी अच्छा लगता है मुझे इसे। यहाँ पर ये बढ़िया लग रहा है, यहाँ फुल पेज आर्ट वर्क है। ये कहानी है कि भेड़िया को आती रहती है जैन की याद, और उसको और उसकी कुछ चीज़ें कुछ शक्तियाँ मिलकर जैन की आकृति बनाती हैं और भेड़िया ध्यान मग्न रहता है। और इसी बीच कोई एक खतरा सर उठा रहा है जो कुछ कुछ दिखने में गोभी जैसा है और वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है। और दो और है, एक अवधूत जिसको आपने भेड़िया पिछले कॉमिक से पढ़ा होगा, और एक वो दूसरा है असुरा जो विवाह करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है और उसने एक लड़की यानी इसको पकड़ भी लिया है और इसको भेड़िया के छुड़ाता है बाद में। और जैसे ही कुछ समय पता यार 5-6 मिनट पूरी पूरी कॉमिक्स ख़त्म। मुझे लगता है यार कि भाई ये तो साइज़ छोटा करो, पेजेस बढ़ाओ यार, क्योंकि वेस्ट लगता है कि हमारा 200 रुपये ऐसे वेस्ट चला गया। और यहाँ पे जैसे देखते हैं जैसे ही कुछ होता है तुरंत ये लोग दिखा देते हैं भाई अगले पार्ट में आएगा और यहाँ पे ऐड चिपका देते हैं, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा यार। मैं कहा थोड़ा पेजेस बढ़ा दे भाई, कम से कम 48 पेज तो कर ही दो, आफ्टर इतना चार्ज कर रहे हो आप लोग। और बस इतनी सी कहानी है और स्टोरी कुछ खास नहीं है, बस ठीक ही ठाक है। और जो आर्ट वर्क है वो भी सही है सही है। और तो मैं आर्ट वर्क यार 4.5 देता हूँ 10 में से, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई देगा। और आर्ट वर्क सच में मिक्स फीलिंग है भाई, कई कई जगह अच्छा लगता है, कुछ कुछ जगह खराब बहुत ही ख़राब लगता है। और स्टोरी जो काफ़ी एवरेज सी है, इसमें थोड़ा दिखाया गया है और जैसे ही कुछ पता चलने वाला होता है आगे कंटिन्यू कर देते हैं टू बी कंटिन्यू। तो इसमें अगर खरीद के पढ़ना है भाई पढ़ लो, लेकिन ये है कि उतना मज़ा नहीं आएगा इस तरह के भेड़िया से मैं कॉमिक से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये दुश्मन वही है जो कोबी की तरह दिखता है, जंगल में घूम रहा है खुलेआम, और भेड़िया के जो सेवक रहते हैं भेड़िए वो उन लोगों को दिख जाता है और उन्होंने भेड़िया को संदेश दिया रहता है, उसी तरह से भेड़िया इधर उधर घूमता रहता है। मैं इस रिव्यू को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि कुछ खास बात करने लायक है नहीं इसमें। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भैया आगे भी मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो डालता रहूँगा और मेरे मन में जो आएगा कॉमिक्स को देख के भाई मैं वही बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई फर्जी कॉमिक्स को फर्जी कहानी को मैं एकदम अच्छा बता दूँ और अच्छी कहानी को एकदम फर्जी बता दूँ, मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ। और यहाँ पर आगे का पार्ट मैंने ऑर्डर कर दिया है आदिपत, अभी टाइम लगेगा उसको आने में। और यहाँ पर नागपुर का एड दिया गया है और पेजेस काफ़ी अच्छे हैं इस तरह के हैं, थोड़े से शाइनिंग है। उसके बाद भाई मैं कचरा पेटी पढ़ूंगा, बहुत दिन से इसको मंगा के रखा था लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाया। उसमें डोगा की ओरिजिन की स्टोरी फिर से लिखी जा रही है ऐसा मैंने सुना है, तो आई थिंक इस बार अच्छा काम करें और अच्छा कुछ अच्छी स्टोरी दें। तो यहाँ पे अल्पेश चमक रहा है तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डॉट पड़ गए हैं, जो डॉट नहीं है दरअसल सब उखड़ रहा है, तो ये यार किसी चीज़ से लेमिनेट कर देना चाहिए था इन लोग को ताकि ये निकले ना। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।